हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, अक्सर सर्दियों में जो पुराने से पुराना दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, कमर दर्द होता है, जो अंदरूनी चोट होती है दोस्तों, अक्सर वो ठंडी के मौसम में निकल के आती है, यानी कि वो ठंडी के मौसम में उभरती है और दर्द होता है। ऐसा ज़्यादातर जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा होता है। वो चेयर पे बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते, उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते हैं खुद से। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है दोस्तों। यंगस्टर्स के साथ क्या होता है, उनकी हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है, जो बहुत वीक होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं दोस्तों, पतले दुबले होते हैं, अक्सर उनकी हड्डियों में इस तरह से आवाज़ आती है। तो दोस्तों, झटपट से ये नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, दर्द होगा, अंदरूनी चोट होगी, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। तो उससे पहले, आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है मैं ऐसी ही वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स की लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया है और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी एक कप गुनगुना मिल्क। दोस्तों, ये दूध को मैंने हल्का सी गर्म कर लिया है और यहाँ पर मैं लूँगी ड्राई जिंजर पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ड्राई जिंजर पाउडर मैंने ले लिया है, यहाँ पे लिया, देखिए मैंने इतनी सी मात्रा में लिया है। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये मैंने घर पे बनाया है, आप देख सकते हो। ये मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, आप कमेंट्स करके बताएंगे। तो आप घर पे बना सकते हो दोस्तों, फ्रेश ताज़ा, आप जब चाहे बना के इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आप बना लीजिए और रख लीजिए, महीने तक का आपको काम आएगा। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको सुबह शाम पीना है दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली पेट पीना है या खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद, जब आपका मन करे सुबह शाम आप इसको पी लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है दोस्तों, हमें अदरक का टुकड़ा लेना है इतना बड़ा, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको पील नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो इसका छिलका होता है इसमें काफ़ी अच्छा मात्रा में गुण होते हैं, जिसको मैं अनगिनत गुण होते हैं, जिसको मैं गिना भी नहीं सकती हूँ। तो इसको हमें कूटना है बारीक बारीक सा, तो चलिए इसको कूट लेती हूँ दोस्तों। इसको आपको पेस्ट नहीं करना है, ना ही आपको इसका पेस्ट लेना है, आपको इस तरह से ही कूटना है, इतना ही दरा कूटना है दोस्तों, ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए। देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ होना चाहिए, मैं आपको स्पून से हेल्प की बता देती हूँ। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों में, इस तरह से आप इसको लेप की तरह लगा लीजिए और इसको रख दीजिए आधा घंटा दोस्तों। अगर आप एक महीना इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, आपके अंदर की अंदरूनी चोट है वो सारी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। 100% घरेलू नुस्खा है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा एक महीना तो लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये झटपट से कोई दवा वगैरह नहीं है, ये धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन 100% ये काम ज़रूर करेगा। आपको दोनों एक साथ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ड्राई जिंजर का आप इसका मिल्क में डाल के पी सकते हो, इसका पेस्ट भी पी सकते हो, यानी कि दोनों ही काम करेगा, बेस्ट रिजल्ट आपको हमेशा मिल जाएगा दोस्तों। एक महीना आप करके देखिए, आपके घर के जो भी बुजुर्ग है उनको इस तरह से आप करिए, आपको आपके सामने आपके रिजल्ट होगा डेफिनेटली। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यस, तो लाइक और शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस करना। फिर से मिलूंगी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।